है व्हाट्सअप गाइस। तो आज आपको बताने वाला हूँ बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में गेम के अंदर म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं। आपको पता ही होगा इसमें एक म्यूजिक का ऑप्शन आ गया, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझाऊंगा। तो हेलो गाइस, तो आज आपको बताता हूँ कि बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में डीजे के साथ म्यूजिक कैसे चला सकते हैं। तो ये कुछ भाषण देने जैसा डीजे है मेरे साथ, और इसमें अभी म्यूजिक भी ऐड करने वाले। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली आपको गैराज पे चले जाना है। गैराज पे जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मेरा एक सॉन्ग पहले से ऐड है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बना देनी है। यहाँ पर इसका यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी नाम देकर एक प्लेलिस्ट बना लेनी है, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो उसके बाद आपको ऐड ट्रैक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दो चीज दिखने को मिलेगा, गैलरी और फाइल मैनेजर। इसमें से आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है। फाइल मैनेजर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे अपने मोबाइल के सारे सॉन्ग आ जाएंगे। सिंपली मैं एक सॉन्ग पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस सॉन्ग पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर देखो मेरा सॉन्ग अंदर ऐड हो गया है। अब जैसे ही आप गेम के अंदर जाकर म्यूजिक चलाओगे जैसे इस प्रकार से, तो देख सकते हो।